नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल कैनवस ऑडियंस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है नेक्सॉन के कैनवस के रिलेटिव है। आज हम आपको बताएंगे कि नेक्सॉन इंस्टॉल करते समय मीटर के अंदर क्या दिक्कत आ जाती है और उस दिक्कत को हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी नेक्सॉन अल्ट्रोज और टाटा पंच इन गाड़ी के अंदर अगर हम कैनवस इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक स्पीडोमीटर के अंदर कुछ इंडिकेटर आने लगते हैं, जैसे कि एयरबैग का या स्टीयरिंग का और आपका सेंसर नहीं चलता है बैक। तो फ्रेंड्स ये सारी प्रॉब्लम जो है आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो के साथ तो लास्ट तक बने रहिए और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स अपना जो नेक्सॉन कैनवस है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया, बस ऐसी प्लग एंड प्ले लगा दिया है। ये देखिए एंड्रॉइड के पीछे की वायरिंग आप देख सकते हैं, सॉकेट टू सॉकेट सब चीज कनेक्ट कर दिया इसके अंदर। अभी मैं दिखा दूं आपको ग्लव बॉक्स के नीचे की वायरिंग कि हमने ग्लव बॉक्स के नीचे पूरा वायरिंग सॉकेट टू सॉकेट लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने इस वायरिंग के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, बस ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया। अभी इसको इंस्टॉल करने के बाद में मीटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए, अभी गाड़ी हमने जैसे रिवर्स करी उसमें एयरबैग का साइन आएगा। देखिए ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का एयरबैग का साइन आ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही दिक्कत होती है जब हम कैनवस को इंस्टॉल करते हैं तो अपना एयरबैग का साइन आ रहा है और स्टीयरिंग का साइन आ रहा है, सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसे ही मैं गाड़ी को न्यूट्रल करूँगा तो आपका ये स्टीयरिंग का साइन भी इसके अंदर दिखाएगा। तो सर एक बार न्यूट्रल करिए, ये देखिए अभी स्टीयरिंग का साइन आ गया। देखिए अभी स्टीयरिंग हार्ड हो गया, जो साइन दिखा रहा है तो स्टीयरिंग हार्ड हो गया आपका। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये देख पा रहे हैं, ये एयरबैग का साइन आ रहा है रेड कलर में और ये स्टीयरिंग का साइन आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो। तो फ्रेंड्स पूरी तरह से फिटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, कैनवस इंस्टॉल कर दिया है। अभी कैनवस इंस्टॉल करने के बाद में एंड्रॉइड भी ठीक चल रहा है, मीटर के अंदर भी कोई एरर नहीं आ रहा है, ना आपका स्टीयरिंग का आ रहा है और ना एयरबैग का आ रहा है, आपका बैक सेंसर भी सही से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वायरिंग के अंदर हमने क्या चेंज किया जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैनवस है, ये कैनवस की दो वायर हैं जो ओरिजिनल सिस्टम में लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये दो वायर हैं, एक वाइट है एक ग्रीन है, जिसको हमने आपस में इंटरचेंज किया है, इसको आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, बस इतना छोटा सा एरर था, ये चेंज करते ही सारे मीटर के अंदर से एरर चला गया, सब कुछ चला गया, एकदम ओके चल रहा है नेक्सॉन कैनवस। ये देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा। अभी मैं आपको बैक सेंसर चला के दिखाता हूँ, बैक करिए। ये देखिए फ्रेंड्स सेंसर भी ऑन हो चुके हैं, इससे पहले हमारे सेंसर भी नहीं चल रहे थे, अब सेंसर भी ऑन चल रहे हैं और मीटर में कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मैं गाड़ी ट्राई करी चला करके, अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा है। आपका स्टीयरिंग के बटन भी सही से काम कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए नेक्सॉन मतलब एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्सॉन के अंदर दो वाइट चेंज करने से। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है नेक्सॉन कैनवस के रिलेटिव। तो फ्रेंड्स उस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जिस गाड़ी के अंदर ये वाइट कलर का कैमरे का सॉकेट नहीं आता है उस गाड़ी के अंदर हम ओरिजिनल OEM कैमरा कैनवस के साथ कैसे लगाएं और कैसे चालू करें उसे। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।